अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 84 एंड 126 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में सबसे पहले हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनके हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। और किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उसे हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ हमें इवन नंबर नजर आ रहा है, इसलिए हम इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे, और 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। अभी भी हमारे पास इवन नंबर है तो इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, और 2 भी बिल्कुल आता है 1 पे। ये बन चुका है 21, जो कि अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके लास्ट में और नंबर है। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और ये वैल्यू 3 से बिल्कुल डिवाइड हो सकती है क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। 7 को एक प्राइम नंबर है, 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 84 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब 126 के लास्ट में भी हमें इवन नंबर नजर आ रहे हैं, यानी कि इस वैल्यू को भी हमने 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, और 6 भी बिल्कुल आता है 3 पे। अब जो ये वैल्यू हमें नजर आ रही है ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और ये वैल्यू 3 से बिल्कुल डिवाइड होगी क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे और 3 आता है 1 पे। ये 21 बन चुका है, जो कि अभी भी सॉरी 3 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करना सीखते हैं। सबसे पहले हम 84 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हम 126 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में सेम है, जिनके हमें पेयर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। या 3 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। ये 7 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। और ये 2 और 3 का हमें कोई पेयर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इनको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 84 एंड 126 का किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 टाइम 3 इज 6, 6 टाइम 7 इज 42, 42 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 2 से, वो हम रफक में कर लेते हैं। 2 टाइम 2 इज 4 एंड 2 टाइम 4 इज 8। लास्ट में इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 टाइम 4 इज 12 का 2 1 गैरी, 3 टाइम 8 इज 24 प्लस 1 25, यानी कि 252 हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 84 एंड 126 का। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है 84 एंड 126 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।